वेलकम टू एनएस किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और स्टार्टर रेसिपी, क्रिस्पी चिकन फिंगर्स। ये दिखने में जितने क्रिस्पी है वो खाने में उतनी ही क्रिस्पी है। एकदम केएफसी स्टाइल चिकन क्रिस्पी फिंगर्स हैं। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये बिल्कुल पसंद आएंगे। क्रिस्पी चिकन फिंगर्स बनाने के लिए हमें 300 ग्राम चिकन स्ट्रिप्स चाहिए, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर चाहिए, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर चाहिए और नमक चाहिए स्वाद अनुसार। हमने चिकन लिया, उसको स्ट्रिप्स में काट लिया है, पतले पतले थोड़े स्ट्रिप्स काट लेंगे ताकि मसाला अच्छे से इस पर लग जाए और अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। और जो भी मैंने मसाले बताए थे इसमें 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट ही मैरिनेट करने रख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कोटिंग पे आ जाते हैं। इसके लिए मैं 3 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर ऐड कर दूँगी और बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। ये हमारी फर्स्ट कोटिंग अब रेडी है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके लिए हमें एक और कोटिंग चाहिए, जिसके लिए हम एक अंडा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे। आपको इसमें ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है, नहीं तो हमारा मिक्सचर एकदम पतला हो जाएगा। और इसमें 1 टीस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसमें हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ड्राई मिक्स में सॉल्ट है। अब पहले हमने जो मैदे का मिक्सचर बनाया है वो चिकन स्ट्रिप्स को इसमें कोट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो अंडे का मिक्सचर बनाया है हम चिकन को उसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। तो ये हमारी 3 कोटिंग रेडी हो जाएगी। पहले हमने मैदे में कोट किया, फिर उसके बाद अंडे में कोट किया और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। उसके बाद हम तेल को गर्म कर लेंगे और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमारे चिकन स्ट्रिप्स को हम लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, नहीं तो बाहर से हमारी चिकन पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसके लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम से अच्छे से कुक कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। हमने मैदा यूज़ किया है, अंडा यूज़ किया है, ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है। आप इसको पैनको क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और भी क्रिस्पी बनेगा। एक क्रिस्पी फिंगर्स के साथ हम एक डिप बना रहे हैं, मेयो डिप बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है। उसके बाद हम इसमें सेजवान सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और टमाटो सॉस ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सॉस ज़्यादा कोई भी सॉस कम कर सकते हैं। आप अगर ये डिप के साथ ही खाएंगे तो उसका और फ्लेवर एनहांस हो जाएगा और बहुत ही यम्मी लगेगा। हमारा चिकन क्रिस्पी फिंगर्स अब रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, कोई भी पार्टी हो या सेलिब्रेशन हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। मैं आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल एनएच किचन। थैंक यू।